हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हो रहा है आफ्टरनून और मैंने घर का सारा काम कर लिया है फिनिश। देख सकते हैं आप, नीचे का भी सारा काम हो गया है फिनिश। और अब मैं बैठी हूँ फुर्सत से, लेकिन आज आने वाले हैं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, अभी आगे वीडियो में बताऊंगी कि आज आने वाला है कौन। और आज पहनी है मैंने पिंक कलर की कुर्ती, जो कि मैंने अभी थोड़े एक दो दिन पहले ही स्टिच की थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर की कैसी लग रही है। अब मेरे को तो आज कोई आने वाला है, तो अभी मेरे को खाना भी प्रिपेयर करना है। अभी सोचा नहीं कि क्या बनाऊंगी, गए हैं लेने के लिए मार्केट की, क्या लेके आते हैं देखती हूँ। तो मैं पहले कर लेती हूँ खाना प्रिपेयर। तो मार्केट से सामान आ गया है और लेके आए हैं पालक पनीर। तो चलते हैं किचन में, बना लेती हूँ मैं खाना उनके आने से पहले। सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, पालक साफ कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, फिर उसी के बाद मेरे को कुछ काम मिलेगा करने को। पालक को साफ करने का काम सबसे टफ लगता है मुझे, क्योंकि एक एक इसका पत्ता छांटना पड़ता है और फिर क्लीन करना पड़ता है इसको। पालक मैंने कर लिया है साफ और मैंने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब मैं इसे उबलने के लिए रख रही हूँ। तब तक मेरा पालक उबलेगा तब तक मैं बाकी की चीजें रेडी कर रही हूँ। टमाटर को मैंने कट कर लिया है, मैंने टमाटर दो तीन तीन से चार टमाटर लिए हैं। और मैं दो बड़े साइज की प्याज ले रही हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी अदरक और लहसुन भी ऐड करूंगी। टमाटर प्याज तो कट कर लिए हैं मैंने, बस मुझे इनकी प्यूरे बनानी है अभी मिक्सी में। और अब मैं पनीर कट कर लेती हूँ। पनीर को कट करने का काम मुझे सबसे अच्छा लगता है। पालक भी बॉईल हो गया है, अब जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है मैं निकाल देती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आटा भी साथ के साथ लगा दूँ फिर, क्योंकि बार बार फिर हाथ रुकेगा काम करते करते। तो अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज का पेस्ट। इसको अच्छे से मैं भून लूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज ब्राउन हो गई है, मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। एक-एक करके अब मैं सारे इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब बारी आती है पालक की। अब मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। अब बारी आती है पनीर की और इसमें मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ।
मैंने इसको 8 से 10 मिनट ढक के छोड़ दिया था लो फ्लेम पे और मेरा पालक हो गया है रेडी। तो खाना हो गया है मेरा रेडी और मैं मिलवाती हूँ आपसे कौन आया है आज। और मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खराब, बहुत अच्छा, फिर से लौट लौट के सर्दी आ रही है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कैसा हो रहा है मौसम। अभी अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा मौसम। बारिश हो रही है और कई दिन से लगातार हो रही है बारिश, लौट लौट के आ रही है सर्दी। मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय और उनको आते ही सबसे पहले मैंने नाश्ता कराया। तो मैं आपको मिलवाती हूँ, देखो कौन आया है आज। आज आए हैं मेरे पापा मेरे घर पे। खाना तो मेरा हो गया है रेडी, खाना भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ हो रही है बहुत तेज बारिश, पापा को रुकना नहीं था फिर बारिश की वजह से रुके हुए हैं। जल्दी जाना है, जब रुक जाएगी तब भी निकल जाएंगे। तो अभी मैं खाना सर्व कर देती हूँ पापा के लिए और फिर आपसे बात। खाना खाते खाते हमने बहुत सारी बातें की और 1-2 घंटे कम में स्पेंड हो गए, पता ही नहीं चला। बारिश थी इस वजह से पापा रुके भी हुए थे, वरना तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे जाने की। फिर मेरे को भी बहाना मिल गया था कि पापा रुके हुए हैं अभी। फिर लेकिन पापा यही कह रहे थे कि मुझे बहुत सारा काम है घर पे और मेरे को जाना है। तो फिर मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की रुकने के लिए, क्योंकि सारे काम भी ज़रूरी होते हैं। थोड़ी देर बाद फिर बारिश रुक गई थी तो फिर पापा कहने लगे मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं किया, मैंने भी बोला कि चलो ठीक है आप निकल जाओ, बारिश रुक गई है। मम्मी भी कह रही थी आने के लिए पर पापा पता नहीं क्यों लेके नहीं आए उनको। और फिर वो बाद में फ़ोन करके कह रही थी मुझसे कि तेरे पापा मेरे को लेके नहीं गए। काफ़ी दिन बाद पापा से मिली और जब कोई घर पे आता है अपने घर से तो बहुत अच्छा लगता ही है वैसे भी। तो फिर बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी पापा के साथ जाने का मन कर रहा था लेकिन फेस्टिवल था इसलिए मैं नहीं गई। फेस्टिवल के बाद जाऊंगी मैं घर पे। तो फिर पापा बोल भी रहे थे नहीं बेटा फेस्टिवल पे अपने घर ही रहना चाहिए, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बाद में आऊंगी। इस बार भाभी और भाई आने वाले थे पर भाभी अपने घर गई हुई थी इस वजह से नहीं आई वो, और फिर भाई भी नहीं आया, भाभी नहीं थी तो इस वजह से। थे तो बातें तो खत्म हो ही नहीं रही थी लेकिन बारिश बंद हो गई थी तो पापा बोले कि मैं चलता हूँ अब। और भी वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जब भी देखें लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। पापा जा रहे हैं अब, हम उन्हें जा रहे हैं छोड़ने और मेरा भी मन कर रहा है उनके साथ जाने का। नमस्ते कह दी, हमारी भी कह बाय दी पापा। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। और अभी मैंने किया है लंच, अभी मेरा हुआ है सारा काम फिनिश और रात आए थे पापा। तो हमारे यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज होती है होली पे और दिवाली पे, तो कुछ सामान लेके आए हैं। और काफ़ी लोगों के यहाँ होती है ये फॉर्मेलिटी, सब लोगों के मे भी यहाँ पे नहीं होती, मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने पापा को रोका भी, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर उनको कुछ काम था तो वो रुके नहीं। और वैसे भी वो कहीं रुकते भी नहीं है, चाहे उनको रात को 2-3 बजे भी जाना हो वो निकल ही जाते हैं, नहीं रुकते हैं कहीं भी। रुक जाते हैं अगर बारिश नहीं होती तो, मतलब बारिश नहीं रुकती तो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा क्या क्या सामान लेके आए हैं। ये सारा सामान लेके आए हैं पापा, हमारे यहाँ पे ऐसा सब चलता है। और सासू माँ के कपड़े हैं और ग्रैंड मदर इन लोग के कपड़े हैं और भी कुछ सामान है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और वो मेरे बेडरूम में रखा हुआ है
तो चलते हैं बेडरूम में। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या भेजा। सासू माँ के लिए भेजा है सूट, ये है सूट, रेड कलर का ब्यूटीफुल सा है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ साड़ी नहीं पहनती है। पहले वो साड़ी भेजा करती थी, पर उन्होंने बोला कि सूट मंगवा लिया करो, क्योंकि साड़ी नहीं पहनती है वो। तो अब 2-3 बार से मम्मी सूट ही भेजती हैं। और भी दिखाती हूँ मैं, और भी काफी सारा सामान भेजा है मम्मी ने। ये भी सूट है, मम्मी ने बोला कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तुम बना लेना, नहीं तो फिर मेरा बना देना या भाभी का बना देना। ये भी सूट है, कुछ सिल्क टाइप में है ये। और ये है इसका सलवार, या इसमें से ट्राउजर कुछ भी बना सकते हैं। दोनों में इसी टाइप का है, दोनों सूट्स में। और ये भेजा है उन्होंने ब्लाउज का फैब्रिक, और इसमें से पता नहीं क्या, मेरे को बताया नहीं कि क्या बनाना है। और ये भी है कुर्ते का कपड़ा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं किसका बनाती हूँ। और मेरे को, मैं पिछली बार गई थी तो ये इयररिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, तो मम्मी ने अब मेरे लिए भेजे भेजे हैं ये इयररिंग्स। दिखाती हूँ मैं आपको अभी, कुछ इस तरह के हैं। और ये सेम ही इयररिंग्स मैंने क्लब फैक्ट्री पे भी देखे थे, और वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, आई थिंक 200 रुपीज के थे। फिर ये मैंने मार्केट में भी देखे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी भिजवा देना आप जब घर पे पापा सामान लेके आएंगे, और ये कुछ इस तरीके के वियर करने के बाद लगेंगे। और एक और पेयर भेजा है, ये भी काफी अच्छे हैं। मैं अपनी किसी ना किसी वीडियो में इनको वेयर करके जरूर दिखाऊंगी आपको। तो ये सारा सामान भेजा है मम्मी ने, और सारा सामान ही अच्छा है, फैब्रिक्स भी काफी अच्छे हैं। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।